हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे हमारे नाम से हमारा आधार कार्ड का नंबर निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान और सिंपल है और आपको इसको करने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो इसको करने का सही तरीका क्या है और इसको आप कैसे करेंगे, यही हम सब इस वीडियो में देखने वाले। तो बने रहे मेरे इस वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाय, मेरा नाम गणेश है, वेलकम टू माय चैनल इंडिया डिजिटल बनेगा समाधान, बस और कुछ नहीं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको आपके नाम से अगर आपका आधार कार्ड का नंबर निकालना है तो सबसे पहले आपको आपका जो मोबाइल है वो आधार में लिंक होना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगी। तो सबसे पहले देखो, अभी मैं बताऊँगा कि आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है। ये क्रोम ब्राउज़र आपका मोबाइल का भी हो सकता है, कंप्यूटर का भी हो सकता है। देखो, क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको क्या करना है, आधार के ऑफिशियल वेबसाइट है, UIDAI टाइप करना है। जैसे आप UIDAI टाइप करोगे, आपके सामने उसका ऑफिशियल पेज आ जाएगा। तो आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद देखो, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इंटरफेस आने के बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है माय आधार। तो आपको क्या करना है, माय आधार में जाना है और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है रिट्रीव लॉस्ट एंड फॉरगॉटन UIDAI, और इसको ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, देखो थोड़ा सा प्रोसेस होगा और आपके पास एक वेब पेज आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा। तो आपको क्या करना है, आपका नाम, मोबाइल नंबर और ये जो कैप्चा दिया है वो सब भर के लेना है। जैसे आप भरोगे, देखो आपको क्या करना है, आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर और ये जो कैप्चा दिया है सब भर के लेना है। भर के होने के बाद आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। देखो, आप जैसे सेंड OTP के ऊपर क्लिक करोगे, देखो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर एक OTP भेजा जाएगा। तो आपको क्या करना है, OTP लेना है और ये बॉक्स में डालना है। आप जैसे ही बॉक्स में डालोगे तो देखो OTP आने के बाद आपको OTP डाल के सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा और आपका जो आधार का जो नंबर है, आपने अभी जो मोबाइल उसमें डाला था उसके ऊपर, रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर उसका जो नंबर है वो भेज दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में जाना है और मोबाइल में जाने के बाद आपको वो आपका जो नंबर है वो दिखाई देगा। तो आपको वो नंबर देख लेना है। नंबर देखने के बाद आपको वापस इसी साइट पर आना है और इसी साइट पर आने के बाद देखो यहाँ पे आपको वापस माय आधार में जाना है। माय आधार में जाने के बाद आपको डाउनलोड आधार के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड आधार के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखो यहाँ पे डाउनलोड आधार करके एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अभी आपके मोबाइल के ऊपर जो अभी आपको जो एक आधार का नंबर मिला आपका, तो आपको क्या करना है, वो डाल देना है। और डाल के होने के बाद नीचे जो कैप्चा है वो भी आपको डाल देना है। तो कैप्चा देखो, आपको कैप्चा जैसा है ऐसे भर के लेना है। सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड OTP के ऊपर क्लिक करोगे, देखो आपके मोबाइल के ऊपर एक OTP भेज दिया गया है रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर। देखो यहाँ पे आपको मास्केड आधार करके एक ऑप्शन दिखेगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और आप OTP डालोगे तो आपका जो आधार आएगा वो डाउनलोड तो होगा, लेकिन उसमें जो नंबर है वो कुछ नंबर हाइड रहेंगे। तो आप इसको अनटिक करिए और अनटिक करने के बाद अभी देखो आपके पास अभी जो OTP आया हो वो आपको OTP इसके अंदर डालना है। तो देखो OTP आप जैसे ही डालोगे, देखो OTP डाल के होने के बाद आपके सामने वेरीफाई डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या करना है, वेरीफाई डाउनलोड के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये कुछ समय लेगा और ये देखो कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया और देखो ये आधार अभी डाउनलोड हो गया। तो आपको क्या करना है, ये आधार डाउनलोड होने के बाद देखो यहाँ पे टोटल लिखा गया है कि आपको आपका आधार कार्ड कैसे ओपन करना है। तो उसके लिए आप देख सकते हो, देखो आपके जो भी आपका जो नाम रहेगा उसके चार इनिशियल और आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ ईयर रहेगा वो आपको इस यहाँ पे डाल देना है। तो देखो अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो मेरा आधार कार्ड है, तो यहाँ पर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर पासवर्ड पूछेगा। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी नाम है उसके जो चार इनिशियल है आपको कैपिटल में टाइप करने हैं। टाइप करके होने के बाद आपका जो भी बर्थ ईयर है आपको डाल देना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे देखो आपके सामने आपका आधार कार्ड आ जाएगा। तो इस तरह से आप आपके नाम से आपका आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।